Live update. गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और जैसे कि मैंने वादा किया था बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त गोल्डन टुलिप होटल से। और बता दूं कि बस ये थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलकर सीधा पहुंचने वाले हैं ओजस में, जहाँ पे आज के दिन का मोस्ट हैपनिंग डांडिया जो है वो होने वाला है। बातें हो रही है इस वक्त बस 2016 की तीसरा एडिशन और हम सब इस दिन का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। और इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट एक्टर करण टैकर, जो इस वक्त कोलकाता शहर में किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है, तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम पे। एक बार फिर से करण भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच ब्रदर। यार सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो प्यार है हर साल बरकरार रहता है और इसलिए हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ और बड़ा मजा आता है मुझे। यू नो टू एवरी ईयर कम हियर एंड ऑनेस्टली एक किस्म की मेरे लिए भी एक पार्टी हो जाती है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मोर देन एन अपीयरेंस मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर आके ऑडियंस के साथ पार्टी कर रहा था, तो मुझे बड़ा मजा आता है। बाजू साहब की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, तीसरा एडिशन है और काफी अच्छा है, सबसे अच्छा क्राउड कहा जाता है वहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि ओजस में नजर। कुछ कहना चाहेंगे? यार बहुत कमाल का क्राउड है और एक्चुअली ये जितने ऑर्गेनाइजर जिस तरह से सारे क्राउड को एकत्रित रखते हैं और जो डीजे होता है जो धमाल होता है वो बड़ा मजा आता है। और ये जो कलकत्ता का क्राउड है ना, मैं देखा ये एक्चुअली बॉम्बे के क्राउड को ना अच्छा टक्कर दे सकता है पार्टी करने के चक्कर में। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि थोड़ी देर पहले ऑफ ईयर आपके साथ बात हुई थी, कोलकाता आना इतनी बार हुआ है लेकिन कभी कोलकाता घूमना नहीं हुआ, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार मेरे जो यहाँ पे जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम अंकित है और प्रेरणा है, जो मुझे हर साल यहाँ पर बुलाते हैं, इन्होंने मुझे सिर्फ दो ही चीजें दिखाई हैं कोलकाता में। एक तो ये ओजस बैंक्वेट्स हैं, इसलिए इनका बैंक्वेट वालों की प्रमोशन भी होगी, और दूसरा है एक पंडाल जहाँ पे मैं हर साल जाता हूँ, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत पंडाल सजता है, मुझे नाम नहीं याद, मोहम्मद अली पार्क पर होता है और नंबर वन पैंडल में से एक है वो। बहुत अच्छा पंडाल सजाते हैं यार वो, और जो उनके पूरे ट्रस्टी बोर्ड हैं वो बड़े प्यारे लोग हैं। तो बस मैंने यही दो चीजें देखी हैं कलकत्ता में और कोई चीज देखी नहीं है। आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताते हैं। फ्यूचर प्लान तो मेरा यही है कि एज ऑफ राइट नाउ मेरा इमीडिएट फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे गुड़ के रसगुल्ले खाने, जो मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अंकित को यही बोलता हूँ कि भाई गुड़ के रसगुल्ले अरेंज करा दिए, वो कभी नहीं कराता, हमेशा एक संदेश पकड़ा देता है एक डब्बे में, बोल के भैया ये आपके लिए मिठाई है। तो इस बार मेरा जो इमीडिएट फ्यूचर प्लान है वो ये है कि यहाँ से मुझे गुड़ के रसगुल्ले इस बार खाके ही जाने हैं। मैं आपको जरूर खिलाऊंगा अंकित को, मैं पकड़ के बोलूंगा कि किसी भी आपके लिए जुगाड़ करके लेकर आए। वैसे जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त सैटरडे नाइट आपको सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहेंगे? यार मैं सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत वक्त है ये, बड़ा ब्लेस्ड ये 9 दिन है हमारे, तो एंजॉय करिए जितनी हो सके, भगवान का शुक्रिया अदा करिए, भगवान से प्रेम करिए, प्यार करिए, और जितनी सेलिब्रेशन कर सकते हैं भगवान को यही चाहिए होता है कि यार उनके जो इंसान है वो खुश रहें और मजे में रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई कुछ ही वक्त में मैं आने वाला हूँ ओजस बैंक्वेट्स में बस उत्सव 2016 के लिए, तो गाइज गेट रेडी, गेट योर पार्टी शूज ऑन एंड लेट्स पार्टी टुगेदर। थैंक यू सो मच करण हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त गोल्डन टुलिप होटल से और बता दूं कि थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले बस उत्सव 2016 में, ऑर्गेनाइज्ड बाय बस 365 एंड कोऑर्डिनेटेड बाय मीडिया कनेक्ट। रेडियो पार्टनर है 91.9 फ्रेंड्स एफएम। बैक टू स्टूडियो।